हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। वापस आ चुके हैं मैन अलॉट्स की एक और नई मजेदार गेम प्ले वीडियो के साथ। और गाइस, कटप्पा वापस आ चुका है और इस बार कटप्पा फुल डोमिनेशन के साथ वापस आया है। अभी देखोगे तो हमने टोटल दो रीजन को और कैप्चर कर लिया है। एक रीजन हमारा है, दो रीजन, टोटल तीन रीजन हमारे कब्जे में आ गया है। बाकी अभी बस थोड़ा सा गास ये हो चुका है ना, गोल्ड हॉफ पे किसी किंग ने अटैक किया है। गोल्ड हॉफ अपना पड़ता है ये वाला एरिया, यहाँ पर अटैक किया है और मैंने उसको चैलेंज कर दिया है बैटल करने के लिए। चैलेंज देने से पहले मुझे थोड़ा सा चेक कर लेना चाहिए था कि मैं मर्सनरीज हायर कर सकता हूँ या नहीं। मैंने ये बाद में देखा कि मैं मर्सनरीज हायर नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ एक यहाँ पर पड़ी हुई है। तो अभी थोड़ा सा बस हग्गास हो चुका है। आर्मी इस बार देखोगे ना तो पिछले वाले से काफी ज्यादा बेटर आर्मी है, जितना अभी हमने प्रोग्रेस किया है। और ये प्रोग्रेस सिर्फ उतना ही है जितना आपने पिछली वीडियो में देखा था, तो कुछ भी मिस नहीं होने वाला है। बस इसमें हमने दो रीजन को और कैप्चर कर लिया और कोई ग्रोथ नहीं किया, मैंने सिर्फ कैप्चर किया हुआ है। बाकी ये वाला रीजन तो मुझे लगता है मेरे कब्जे से जाने वाला है, क्योंकि मैं बैटल फील्ड में नहीं जाने वाला हूं। अगर बैटल फील्ड में जाऊंगा अपनी इस छोटी सी टुकड़ी के साथ ना, बहुत गंदा पिटकी आने वाला हूं। तो बैटल को अभी हम इग्नोर करने वाले हैं, ये वाला किसी और किंग के कब्जे में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम जो है ना बाद में इसको कैप्चर कर लेंगे। बाकी ये है अभी अपना छोटा सा टाउन जो अभी तक मैंने ग्रो किया है और काफी ज्यादा इस बार ना अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पर देखोगे तो बड़े बड़े फील्ड बना रखे हैं फार्मिंग के लिए। बाकी जो छोटे छोटे हाउसेस है वहां पर सारे प्रोडक्शन वाली यूनिट लगा रखी है। अपना मैनर भी बना दिया है हमने यहाँ पर, इस वाले जगह पर देखोगे तो हमने अपना मैनर बना दिया है। अभी इसको पूरा कस्टमाइज करना है, अपने लिए रेट्यून वगैरह भी हायर करने हैं, तो वो सारी चीजें भी करेंगे हम। बाकी यहाँ पर देखोगे स्टेटस तो लूजिंग ही दिखा रहा है। आज हम ये वाला बैटल भले ही हारने वाले हैं, लेकिन हम एक एरिया को और कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास इन्फ्लुएंस पड़ा हुआ है ना, तो हम ये काम जरूर कर सकते हैं कि उसको दूसरा एरिया कैप्चर करने देते हैं। हम किसी दूसरे रीजन पे अटैक करके उसको कैप्चर कर लेते हैं, क्योंकि मुझे जहां तक लग रहा है ना कि अगर मैं बैटल फील्ड में चैलेंज करके नहीं जाता हूं तो हमारा इन्फ्लुएंस जो है ना वो डाउन होता है। तो इन्फ्लुएंस डाउन होने से पहले हम किसी रीजन को कैप्चर कर लेते हैं, ये ज्यादा सही रहेगा। तो आज की वीडियो में आने वाले हैं बहुत ही ज्यादा मजे, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना। ओके, तो गाइस बैटल फील्ड देखोगे ना तो यहाँ पर है और इनकी जो है आर्मी आ चुकी है, काफी अच्छी आर्मी है इनकी, इसीलिए मैं इनसे अभी पंगे नहीं लेने वाला हूँ। मेरे पास इन्फ्लुएंस देखोगे तो 1.5K का है और यहाँ पर एक बैंडिट कैंप भी दिख गया, तो थोड़ा सा इन्फ्लुएंस और भी बढ़ जाएगा और मेरे पास पैसे भी थोड़े से आ जाएंगे। रुको 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 रुको, पैसे आएंगे, आ जाओ हमारी सेना, फटाफट से तैयार हो जाओ, हम कहीं और पर फाइट करने जाने वाले हैं। चलो 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 चलो, रेडी 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 रेडी, मुझे लगता है ये लोग चले जाएंगे। हाँ ये देखो भाई, इनकी ना चील की निगाह है, मैंने अपनी आर्मी को यहीं तक बुलाया और वो लोगों ने देख लिया। चलो आने दो, यहीं पर फाइट हो जाएगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ नूब के बच्चों, ये भाई ये इतनी दूर है, यहीं से ये लोग मारने लग गए। ओ नाइस, आर्चर अच्छा होता है, बस उसका यूज करने आना चाहिए। पहले मुझे नहीं आता था, बट अब तुम्हारा भाई प्रो हो चुका है, टेंशन की बात नहीं है। अब इनको हम कर देंगे इधर साइड में, जिससे कि साइड से ये लोग अटैक कर पाए। चलो चलो चलो, जाओ 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 फटाफट से जाओ। अरे किसी और ने अटैक कर दिया क्या यहाँ पर? वेट, ये लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? अच्छा नहीं, हमारे रीजन में आ चुके हैं, इसकी वजह से ये लोग चिल्ला रहे थे। 15 लोग 14 लोग, ए मारो रे। हाँ मार रहे मार रहे मार रहे। 13 लोग, चटको बे, नूब्स नूब्स, ये हम जीत गए। चलो एक काम करो, तुम लोग जाओ काम धंधे पे लग जाओ, इस पे अटैक करके इसको लूट लो, ठीक है। बाकी बैटल हारने से पहले मैं इस एरिया को ना कैप्चर भी कर लेता हूँ। अभी मेरे पास 1.8 का इन्फ्लुएंस हो चुका है, क्या बात है। और इसको मैं भेज देता हूँ नियरेस्ट टाउन में या अपने ट्रेजरी में, नियरेस्ट टाउन में भेज देता हूँ। मेरे पास 578 पड़े हुए हैं। चलो अब तुम लोग एक काम करो, वापस आ जाओ घर पे और काम धंधे पे लग जाओ। वैसे यही वाला एरिया हमें कैप्चर करना है ना? हाँ यही वाला एरिया हमें कैप्चर करना है। बाकी तो देखोगे सारे एरिया लगभग कैप्चर ही हो चुके हैं। आ जाओ भाई, इसको हम क्लेम कर लेते हैं। ये फुल डोमिनेशन भाई, कटप्पा को हमने वापस लाया और इतना भयंकर वापस लाया कि पूरा का पूरा तबाही मचा दिया। जे बात, चलो घर पे आ गए, जाओ काम धंधे पे लग जाओ, इसको हम क्लेम कर रहे हैं। भाई कोई ऐसे हमसे फाइट करने के लिए ना आ जाए, कोई फाइट करने के लिए आ जाएगा ना तो मेरा बैंड बच जाएगा। देख लेंगे भाई, डरते हैं क्या, कोई भी आ जाए भरता बना दूंगा मैं। प्लीज पूरा क्लेम हो जाओ भाई, कोई ऐसे फाइट करने के लिए मत आना प्लीज। ए मर्सनरीज आ गई, नहीं यार यही सेम है भाई, मेरे को लगा कुछ अच्छी मर्सनरीज हायर कर सकता हूँ मैं। लगता है पूरा क्लेम हो ही जाने वाला है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जे बात, इस बार हम फुल पावरफुल है भाई।
ओके, रीजन क्लेम्ड। ये वाला रीजन भी अब आ चुका है भाई के कब्जे में। जे बात ले लो भाई, ये वाला रीजन तुम ले सकते हो यार। इतना अत्याचार मैं नहीं करता, धीरे धीरे अत्याचार करूंगा, दिक्कत की बात नहीं है। इन्फ्लुएंस देखोगे तो अब मेरे पास 820 बस पड़ा हुआ है। अब मुझे इन सब एरिया को कैप्चर करने के लिए 2000 इन्फ्लुएंस की जरूरत पड़ने वाली है। बाकी आज अब हम अपने टाउन में थोड़ा सा ग्रोथ कर लेते हैं। मैं यहाँ पर पिछली बार क्या कर रहा था, बर्गेस प्लॉट मुझे बनाने हैं टोटल 4 और लेवल 3 वाले काफी सारे बर्गेस प्लॉट बन गए हैं। 4 और बना दूंगा तो हम फिर नेक्स्ट सेटलमेंट में पहुंच जाएंगे। उसके लिए किस चीज की दिक्कत पड़ रही है, फूड स्टॉल सप्लाई जो है ना 3 टाइप का नहीं है। वाह भाई, कैसे 3 टाइप का नहीं है, अभी मैं दिखाता हूँ। देखो 3 टाइप का तो होगा ही। अच्छा बेरीज है सिर्फ। यहाँ पर ये क्या हो गया भाई, उजड़ा चमन कैसे हो गया, फूड वगैरह नहीं है क्या हमारे यहाँ। फार्म हाउस पे लोग लगे हुए हैं ना, फार्म हाउस पे अच्छी खासी फैमिली लगी हुई है, दिक्कत की बात नहीं है। पार्ले यहाँ पर सिर्फ 2 आया भाई, इतना बड़े फील्ड से सिर्फ 2 नहीं 20 का प्रोडक्शन हुआ है ना, ठीक है चलेगा। वैसे यहाँ पर ना फर्टिलिटी ज्यादा नहीं थी तो प्रोडक्शन काफी ज्यादा कम हो रहा है। वेट, आर्मी के लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत थी ना, मुझे जरूरत थी फुट आर्म, मतलब साइड आर्म की मुझे जरूरत है। साइड आर्म, इसमें रिक्रूट मिसिंग है, इसमें रिक्रूट मिसिंग है और इक्विपमेंट मिसिंग है इसमें। साइड आर्म चाहिए अपने को, और साइड आर्म शायद से मैंने ट्रेड पे लगाया हुआ था ना, इम्पोर्ट साइड आर्म, यस 30 मैंने ट्रेड पे लगाया हुआ है, ये थोड़े टाइम में आ जाएगा। यहाँ पर वेजिटेबल पड़ा हुआ है और बेरीज पड़ा हुआ है, 2 चीजें तो यहाँ पर पड़ी हुई है। तीसरी अपने को चाहिए मीट, और मीट यहाँ से होगा, एक बंदा तो यहाँ से हटा दो। अच्छा यहाँ से हंट ही नहीं हो सकता। तीसरा आइटम तो एक भी हो सकता है ना, एक के लिए इतने सारे चिकन कूप मैंने लगा रखे हैं फिर भी ये लोग प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर 3 टाइप ऑफ फूड है तो 1 2 3। वेट, फिर क्या दिक्कत है इसको, ये देखो भाई ये क्या तकलीफ है, ये बस थोड़ा सा समझ नहीं आता। ये देखो 3 टाइप ऑफ फूड और यहाँ पर देखो डिटेक्ट नहीं कर रहा है। वाह भाई ये सही है यार। इधर क्या चल रहा है, यहाँ पर आयरन स्लैब बन रहा है और आयरन वाला पिट पूरा खाली हो गया। अरे यार ये चीज देखो हमें ध्यान देनी होती है, मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर से मुझे बंदा हटा देना चाहिए था। ये देखो पूरा का पूरा खाली ही हो गया, यहाँ पर रिसोर्स बचा ही नहीं आयरन का। इससे बना क्या, इससे शायद से बना है हेलमेट वगैरह, क्योंकि हमारे आर्मी के पास हेलमेट आ चुका होगा। 23 इनके पास है, 23 इनके पास है, 23 इनके पास है। काफी सारा हेलमेट बनने में लग गया, जिसकी वजह से आयरन यहाँ से तो पूरा खत्म ही हो गया है। बट दिक्कत की बात है हमारे पास बहुत सारे रीजन है। आयरन का देखो रिच डिपॉजिट हमारे इसी बाजू वाले रीजन में पड़ा हुआ है, इस वाले जगह पर, ये देखो बहुत ही ज्यादा है, तो हम यहाँ पर लगा सकते हैं, तो इधर भी प्रोग्रेस करेंगे धीरे धीरे। अभी थोड़ा मुझे यहाँ की पॉपुलेशन और बढ़ानी है, तो एक काम करता हूँ, एक रोड यहाँ से यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ ऐसे करके, और ये जो बीच वाला एरिया है ना यहाँ पर मैं अलॉट कर देता हूँ बर्गेस प्लॉट के लिए। यहाँ से लेके पूरा बर्गेस प्लॉट बना लो यहाँ तक, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा और सही से अलॉट करते हैं। अगर यहाँ से एक रोड सीधा कनेक्ट कर दूं तो एकदम मस्त वाली प्लॉटिंग हो जाएगी। यप एकदम सीधी सीधी प्लॉटिंग होगी। अब इस वाले जगह पर मैं बर्गेस प्लॉट के लिए अलॉट कर सकता हूँ। 3 नहीं सिर्फ 2 बनाओ, और इसमें भी हम वेजिटेबल वगैरह की फार्मिंग करने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ते जाएगा ना वैसे वैसे अपने को वेजिटेबल वगैरह की बहुत नीड पड़ेगी, मतलब फूड वगैरह की, तो थोड़ा सा यहाँ पर हो जाएगा। बाकी मुझे चिकन कूप और बढ़ाने हैं भाई, हमारे यहाँ एक का प्रोडक्शन थोड़ा सा कम हो रहा है, तो मैं चिकन कूप के लिए क्या कर सकता हूँ, इस वाले में अलॉट कर दूं क्या। वेट यहाँ से लेके यहाँ तक 3 बर्गेस प्लॉट आ जाएंगे, इसमें चिकन कूप भी लग जाएगा आराम से। रुको थोड़ा और बड़ा बना सकते हैं, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक अलॉट करूँ कितना आएगा, 2 आ रहा है। ठीक है 2 यहाँ पर बना दो, और 1 बना दो यहाँ पर, इसका फेसिंग करो इस साइड को। ये वाला अच्छा बिल्डिंग बनेगा ना, पूरा इतना एरिया कवर कर रहा है। अपग्रेड वगैरह इसके इधर जाएंगे, और इसका बैकयार्ड ये है। अच्छा लगेगा देखने में, चलो यहाँ पर भी बिल्ड करो, और ट्री इसमें रहेगा ही तो ये भी सही लगेगा वैसे देखने में। चलो 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 फटाफट से बिल्ड करना स्टार्ट करो। बाकी इधर के जितने भी बिल्डिंग थी उन सबको मैंने काम पे लगा रखा है, लेवल 2 के अपग्रेड करने हैं तो कर दो भाई, जितना हो सकता है उतना लेवल 2 में भी अपग्रेड कर दो। इनसे बिल्डिंग में कुछ अलॉट नहीं कर रखा है क्या। ओके ज्वाइनर शॉप, ये वाला फ्री पड़ा हुआ है, ये सब फ्री पड़े हुए हैं, देखता हूँ अभी। अ न्यू फैमिली मूविंग इन, ये नई फैमिली आने लग गई है। वैसे इस वाले पाया होगा ना, यहाँ पर लिविंग स्पेस भी बढ़ा सकते हैं हम, तो इसमें एक काम करो, ये वाला एरिया फार्मिंग के लिए अलॉट किया था ना, हाँ ये फार्मिंग, और इसमें भी
गार्डन लगा लो, वेजिटेबल गार्डन, लिविंग स्पेस बढ़ा दो, इसमें भी लिविंग स्पेस बढ़ा दो, डन, ये वाला कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर चिकन कूप लगा दो, इस वाले में भी एक चिकन कूप लगा दो, और इस वाले में भी, रुको ये कंप्लीट होने दो, इसके कंस्ट्रक्शन अभी चल ही रहा है। चलो 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 फटाफट से कंप्लीट करो, हो गया, डन सीन है। तो इसमें भी एक चिकन कूप लगा दो। मेरे पास बीट आ चुका है यहाँ पर 60, तो अब इसको भी ऑन कर सकते हैं। फटाफट से विंड मिल पे एक मैं लगा देता हूँ फैमिली, और मेरे पास फैमिली नहीं बची है, क्या हुआ ये? नहीं, ग्लिच हो गया, ठीक है। हेलो, अरे यार इसका थोड़ा सा ग्लिच चल रहा होता है, ये देखो ये किसी और रीजन का दिखा रहा होगा, ये शायद से इसका दिखा रहा होगा। अरे वापस आ जा, आ गया आ गया आ गया, ये देखो। कोई बात नहीं भाई, गेम बहुत अच्छी है, थोड़ा बहुत ग्लिच वगैरह चलता रहता है, अर्ली एक्सेस में है। हमने विंड मिल ऑन कर लिया, इसी के साथ हमें ऑन करना पड़ेगा ओवन, जहां से कि ब्रेड बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब टोटल 4 टाइप के फूड मार्केट में आ जाएंगे, तो अब देखते हैं कि क्या ये अपग्रेड करने के लिए आ जाता है या नहीं। भाई देख लो यार क्या तकलीफ है इसका, ना थोड़ा सा प्रॉब्लम तो है। सारे रीजनल वेल्थ खत्म हो चुके हैं, तो चलो अब यहाँ से ट्रेड तो हम बंद ही कर देते हैं। भाई कुछ ज्यादा ही लगता है मैंने ट्रेड कर लिया। अच्छा बार्ले भी इंपोर्ट पे लगा रखा था, ओ नो, ये तो मैंने देखा ही नहीं भाई, मैं बिल्कुल गरीब हो गया यार। इंपोर्ट जितने भी हैं नो ट्रेड कर दो, एक्सपोर्ट हमारा चलता रहेगा, एरो वगैरह का यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है। बाकी मार्केट देखोगे तो अभी ओवर सप्लाई हो रहा है, प्राइस लो हो चुका है, 3 में बिक रहा है वॉर्बो। स्मॉल सील्ड तो अभी ठीक ठाक बिक रहा है, और लार्ज सील्ड भी अभी ठीक ठाक ही बिक रहा है, तो ठीक है इन दोनों से तो प्रॉफिट हो जाएगा। और शूज का भी मैंने एक्सपोर्ट लगा रखा है, इसका भी मार्केट प्राइस देखोगे तो अब डाउन हो गया है। अरे यार जितनी चीजें हमारे पास सरप्लस में है ना, उन सबका मार्केट प्राइस धीरे धीरे डाउन हो ही रहा है। और बैटल गोल्ड हॉफ का 0 डे आ चुका है, तो पीस डिक्लेयर हो गया, और गोल्ड हॉफ जो है किसी और किंग के रूल में आ चुका है। इनकी पूरी मिलिट्री यहाँ से जाने लग गई, भाई आर्मी देखो इनकी, अच्छा हुआ पंगे नहीं लिया भाई, बहुत भर देते मेरा। हमारे भी आर्मी एक दिन वैसी ही होगी, टेंशन ना लो। ओके फाइनली यहाँ पर फूड सप्लाई तो मीट हो गई, तो अब मैं एक काम करता हूँ, टावेन को ऑन कर देता हूँ और थोड़ी सी बिल्डिंग बना लेते हैं। मुझे टोटल 4 और बिल्डिंग बनानी है लेवल 3 की। प्लीज भाइयों यहाँ पर फटाफट से मदिरा पहुंचाया जाए, नहीं तो ये जो फूड है ना ये मार्केट से खत्म हो जाएगा, तो फिर मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। यहाँ पर भी हुआ क्या? हाँ हर जगह पे हो गया, मार्केट में फूड तो आ चुका है, बट मेरे पास पैसे नहीं है यार। एक प्रॉब्लम आती है, रुको पैसे तो आ जाएंगे, मैंने टैक्स वगैरह इन पे लगा रखे हैं या नहीं? टैक्स लगाना पड़ेगा, अब लैंड टैक्स मैंने इन पे लगा रखा है 10% का, अभी मैं 20% का लैंड टैक्स लगाऊंगा, क्योंकि मुझे अभी थोड़े से पैसों की जरूरत है। हाँ भाई मदिरा पहुंचाओ यार, हेलो, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, मदिरा लेके जा रहा है, ये देखो यहाँ पर लेके जाएगा, उसके बाद ही मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। प्लीज यार तब तक फूड मत खत्म हो जाना भाई, मैं रो दूंगा यार। पहुंच गया, ये लगा दिया, चलो पहले यहाँ पर आ चुका है, अब आई थिंक मैं अपग्रेड कर सकता हूँ। बूम बूम और बूम, एक और प्लीज, वाह भाई वाह, अभी तक यहाँ पर फूड की सप्लाई नहीं पहुंची, सिर्फ एक और बिल्डिंग दे दो यार, हम नेक्स्ट सेटलमेंट में पहुंच जाएंगे। कोई तो बिल्डिंग होगी, इधर तो अभी सब लेवल 2 का ही करना है, इधर कोई लेवल 3 हो जाएगा? नहीं इधर, अच्छा इधर तो लेवल 2 ही करना है अभी। अभी मैं सोच रहा होगा इसकी, यहाँ पर जो ग्रोथ चल रहा है वो तो चल ही रहा है, तो हम किसी और रीजन में भी अपना टाउन ग्रो कर सकते हैं, जहाँ से कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके चीजों को मैनेज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास आयरन बिल्कुल नहीं है, और मेरे को हेलमेट बनाना है, काफी सारे और भी आर्मर बनाने हैं, तो उसके लिए आयरन की जरूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पर मैं एक टाउन सेटल कर दूंगा, तो यहाँ से मैं आयरन कलेक्ट करके अपने यहाँ भेज सकता हूँ, तो ये काम अभी मुझे करना ही पड़ेगा। ये सब करने से पहले यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग सब बची हुई हैं लेवल 2 में, वो सब अपग्रेड करने के लिए लगा देता हूँ, जिससे कि ये धीरे धीरे अपग्रेड होती रहेंगी, बाद में हमें कुछ करना नहीं रहेगा। चलो लेवल 2 के लिए मैंने सब लगा दिया, ये भी लेवल 2 कर दो, ये नहीं कर सकते तो उसमें फैमिली बढ़ा दो। लॉगिंग कैंप पे मैंने 3-3 फैमिली असाइन कर रखा है, ठीक है एक हटा दो। प्लांट तो हो रहा है, फॉरेस्टर भैया प्लांट कर रहे हो, तुम्हारा एरिया थोड़ा सा सही करना पड़ेगा। अब तुम एक काम करो, इधर वाले एरिया में प्लांट करो, और लॉगिंग कैंप का मैं चेंज कर देता हूँ लिमिट वर्क एरिया, अब ये लोग जाके यहाँ से लॉग वगैरह कलेक्ट करें, डन सीन। चलो अभी मैंने काफी सारे बिल्डिंग को अपग्रेड करने पे लगा दिया है, बस एक और मुझे लेवल 3 की बिल्डिंग बनानी है, उसके बाद हम नेक्स्ट सेटलमेंट पे पहुंच जाएंगे। तब तक हम चलते हैं इस वाले रीजन में,
और अब हम स्टार्ट करते हैं इस वाले रीजन में अपनी ग्रोथ। और ये अपना दूसरा रीजन होगा जहां पर कि हमारा रूल होने वाला है और वहां पर हमारे लोग भी रहना स्टार्ट कर देंगे। इस वाले में बनाऊं या इस वाले में? वैसे रिच डिपॉजिट आयरन का यहाँ पर है तो इस वाले जगह पे बनाना ज्यादा बेटर रहेगा। आयरन का रिच डिपॉजिट तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर क्ले का भी है। अच्छा, क्ले और आयरन यहाँ पर, इस वाले में भी दोनों का है, इस वाले में भी दोनों का है। ये ठीक है भाई, तो इसी वाले में बनाता हूँ। ये काफी ज्यादा पास है ना, तो यहाँ से बार्टर करना काफी इजी रहेगा। सबसे पहले तो यहाँ के फर्टिलिटी देख लेता हूँ। इस वाले जगह पर मैं थोड़ी सी फार्मिंग कर सकता हूँ, इधर को मैं अपना टाउन ग्रो कर सकता हूँ और इधर को भी थोड़ी सी फार्मिंग कर सकते हैं। तो एक काम करो, यहाँ से लेके एक रोड में लेके आता हूँ यहाँ तक और इसको ऐसे कर देता हूँ कनेक्ट इस वाले जगह पर। नाइस। अंडरग्राउंड वाटर कहाँ पर है? यहाँ पर है ना। इस वाले जगह पर मैं वेल लगा सकता हूँ। एक रोड करता हूँ यहाँ से डिवाइड ऐसे, एक रोड करता हूँ यहाँ से डिवाइड ऐसे, एक रोड में लेके चलता हूँ यहाँ से यहाँ तक और उसके बाद ये आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। क्या बात है, बहुत सही लग रहा है। अब सबसे पहले यहाँ पर अपने को बनाना पड़ेगा एक सेटलर्स कैंप, जिसके लिए अपने को 250 ट्रेजरी कॉस्ट देना पड़ता है। मेरे पास 643 पड़े हुए हैं, तो सबसे पहले इसको तो हम यहाँ पर बिल्ड कर देते हैं, इस वाले जगह पर। परफेक्ट रहेगा ना। बूम। टाउन, फार्मिंग विलेज, फॉरेस्ट विलेज, माइनिंग विलेज। ओ अच्छा, ये सब भी है क्या? पहले तो ये नहीं था, ये शायद से नया आया। तो हम टाउन ही कर सकते हैं, बाकी तो कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ पर। अच्छा, 500 देंगे तो स्टार्टिंग सप्लाई इतनी मिलेगी। 250 में अपने को 20, 20, 20 और 10 ये मिलेगा मॉडेस्ट। भाई अपने को यही दे दो, हम कर लेंगे बाकी का। ठीक है, काफी पैसे इसमें लग गए यार। ट्रेजरी कॉस्ट देखो, -250 यहाँ पर खत्म हुआ। क्या, मैंने तो इधर को लगाया था, ये इधर को कैसे लग गया? चलो आ जाओ, सबसे पहले बेसिक चीजों पे चलते हैं। लॉगिंग कैंप लगाना पड़ेगा अपने को। लॉगिंग कैंप हम अपना लगाएंगे इस साइड को। ये वाला ट्री कट कर सकते हो या तो फिर इधर वाले ट्री कट कर सकते हो। इधर भी ट्री तो है, या फिर इधर के ट्री कट कर सकते हैं। यहाँ पर लगा सकता हूँ, जिससे इधर वाला ट्री कट हो जाएगा तो मैं यहाँ पर फार्मिंग स्टार्ट कर दूंगा। यस, यहाँ से इसको लेके आता हूँ यहाँ पर। लॉगिंग कैंप को बिल्ड कर देते हैं हम यहाँ पर। बूम। चलो चलो चलो, काम धंधे पे लगो, फटाफट से इसको कंप्लीट करो। लॉगिंग कैंप जैसे ही बनेगा तुम्हारे खाने का जुगाड़ कर देते हैं। हंटिंग कैंप बनाना पड़ेगा तुम्हारे लिए। हंटिंग कैंप कहाँ पर बनाएंगे? हंटिंग के लिए यहाँ पर है, बेरीज डिपॉजिट भी यहाँ पर है, तो दोनों को मैं इस वाले एरिया में लगा सकता हूँ। वेट, अगर मैं यहाँ से इसको यहाँ तक ऐसे लेके आ जाऊँ तो हम यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं हंटिंग कैंप यहाँ पर, और उसके बाद फॉरेस्टर हट इसके जस्ट बाजू में। ठीक है, ये दोनों यहाँ से पास में है तो यहाँ से लोग आराम से जाके कलेक्ट कर लेंगे, इनके फूड का काम यहाँ से हो जाएगा। बाकी उसके बाद इनको क्या चाहिए, जैसे ये बिल्ड होगा उसके बाद इनको चाहिए होगा फिर स्टोर हाउस और ग्रैनरी। ठीक है, स्टोर हाउस बिल्ड करेंगे हम इस साइड वाले एरिया में, या तो फिर यहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर भी तो बना सकते हैं। एक रोड लेके चलता हूँ यहाँ से यहाँ पर, स्टोर हाउस को बिल्ड करूंगा यहाँ पर और ग्रेनरी को बिल्ड करेंगे इसके जस्ट बाजू में। ओके नाइस, और उसी के साथ थोड़ा स्पीड अप कर देते हैं जिससे जल्दी जल्दी यहाँ पर ग्रोथ होता रहे। रेसिडेंस वगैरह बनाने पड़ेंगे टोटल 5, अभी तो मुझे बर्गेज प्लॉट यहाँ पर बनाने हैं, तो 5 बर्गेज प्लॉट तो आराम से बन जाएगा। यहाँ से लेके ये वाला पूरा एरिया कवर कर लो। इसके लिए अपने को टिम्बर बहुत ज्यादा चाहिए और टिम्बर वाला बन के कम्प्लीट हुआ लॉगिंग कैंप। चलो चलो चलो, पहले इसको फटाफट से कंप्लीट करो, उसके बाद ही जो काम है वो आगे बढ़ेगा। ओके डन, कंप्लीट हो चुका है। चलो एक यहाँ पर फैमिली लगा देते हैं, वैसे 2 फैमिली लगा देते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉक कलेक्ट हो जाएगा। और मुझे यहाँ से सबसे पहले आयरन का ट्रेड करना है, तो जैसे ही ये सेटल हो जाता है उसके बाद मैं आयरन का ट्रेड भी स्टार्ट कर दूंगा इस वाले जगह से। उसके बाद इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी कर देते हैं, हंटिंग कैंप और फॉरेस्टर हट को। घर वगैरह तुम बाद में बनाना, स्टोर हाउस भी तुम बाद में बना सकते हो वैसे। ठीक है, पहले जो ज्यादा जरूरी है उसको बिल्ड करो। और गाइस अभी मुझे ना जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अपने को आर्मी को कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी देखो कोई भी रीजन बचा नहीं है, तो अब जो भी अटैक होगा वो हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। हो सकता है हमारे इस वाले रीजन पे अटैक हो सकता है हमारे इस वाले रीजन पे अटैक हो, या तो हो सकता है हमारे इस वाले रीजन पे अटैक हो जाए, तो उसके लिए अपने को प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो आर्मी हमारी अब रहनी चाहिए, तो फटाफट से अभी ना आर्मी पे फोकस करना पड़ेगा। अभी रनिंग आउट ऑफ फूड, यहाँ पर फूड नहीं है, क्या हो गया फूड यहाँ का? हेलो, मीट, वेजिटेबल, बेरीज, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ओ नो, हंटिंग कैंप बन गया ना। एक बंदा यहाँ पर लगाओ, एक फैमिली मैंने यहाँ पर लगा दिया, फूड यहाँ पर आ जाएगा। भाई बिल्कुल भी फूड नहीं है। अच्छा विंटर आ चुका है, विंटर में वैसे भी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। बेरीज तो है नहीं यहाँ पर, ये सीजनल होता है, इस टाइम में कुछ हो नहीं सकता बेरीज का। वैसे मुझे विंटर के टाइम में यहाँ पर टाउन बिल्ड करना नहीं चाहिए था। हाँ थोड़ा सा वेट करके ना, थोड़ा टाइम बाद टाउन बिल्ड किया होता
तो सही रहता। ये थोड़ा सा हग्गास हो गया, फैमिली हंगरी। ओ नो, मुझे लगता है यहाँ की फैमिली तो ऐसे ही टेबल जाने वाली है। और उनके पास बिल्कुल फ्यूल भी नहीं है। अपने को वुड कटर लॉज बनाना पड़ेगा जिससे कि फ्यूल का जुगाड़ हो पाए इनका। इसको यहाँ पर बना देता हूँ। चलो चलो चलो, इसको बनाओ पहले। ये वाला विंटर सर्वाइव कर लो कैसे भी करके, बाकी का टेंशन ना लो भाई लोग, तुम्हारे लिए सब जुगाड़ हो जाएगा। रहने के लिए जगह भी नहीं है। अबे ये तो लोग मर जाएंगे ऐसे ही। यार मैं कितना बड़ा गधा हूँ भाई, थोड़ा टाइम वेट करके विंटर का सीजन बीत जाना चाहिए था, उसके बाद मुझे बनाना था। ओके, क्या मैं अभी बर्गेस प्लॉट बना सकता हूँ? टोटल 5 बर्गेस प्लॉट आ रहे हैं, 5 नहीं 4, 3 कर देता हूँ। फार्मिंग भी तो करना है ना बड़े फील्ड में। 3 यहाँ पर कर दो, बूम, 3 इस साइड को हो गए। बाकी 2 बर्गेस प्लॉट अपने आ जाएंगे यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर अभी कुछ सामान पड़ा हुआ है शायद से। सप्लाईज यहाँ पर पड़ी हुई है, स्टोन पड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर बर्गेस प्लॉट तो आ जाएगा 2। यहाँ पर मैं बनाता हूँ टोटल 4 बना दूं, सही लगेगा 4। बूम, ये लो भाई, फटाफट से बर्गेस प्लॉट भी बिल्ड करो जिससे कि तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम वगैरह है वो फिक्स हो जाए। फूड की प्रॉब्लम नहीं होगी वैसे। यस, फूड आ चुका है, तो चलो भूखे तो नहीं मरेंगे, ये ठंड से मर सकते हैं, तो उसका भी जुगाड़ कर देते हैं। वुड कटर लॉज बन चुका है, यहाँ पर एक फैमिली लगा दो, तो अब यहाँ से फ्यूल वगैरह भी आने लग जाएगा। सर्वाइव तो कर लेंगे जैसे तैसे करके, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा बट सर्वाइव कर लेंगे ये लोग। बाकी यहाँ पर भी हमें चेक करते रहना है कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। यहाँ पर तो वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं चल रहा है। पैंट्री फुल चल रही है, किसकी पैंट्री फुल हो गई भाई? कंस्ट्रक्शन यहाँ पर चल रहा है, ये तो फ्री है, ये भी फुल नहीं है। किसका पैंट्री फुल हो गया? इधर किसी का फुल है क्या? सबका तो खाली है। स्टोर हाउस पे एक और फैमिली लगा दो, एक नहीं 2 फैमिली लगा दो। जाओ भाइयों फटाफट से, जहाँ पर भी पैंट्री वगैरह फुल हो रही है सब खाली करवाओ। इनके लिए मार्केट प्लेस भी तो बनाना पड़ेगा ना, तो यहाँ से लेके अभी के लिए छोटा सा बस मार्केट प्लेस बना देता हूँ। टोटल 36 इतने में आ जाएंगे। वाह भाई, इतने में ही 36 मार्केट प्लेस आ रहे हैं, तो इस वाले जगह पे ना बना के मुझे इस वाले जगह पे बनाना चाहिए जिससे कि एरिया ज्यादा कवर हो। यहाँ से लेके यहाँ पर कितने आ रहे हैं? 19 चलेगा, यहाँ पर मार्केट प्लेस बना लो। चलो फूड यहाँ पर 2 मंथ का आ चुका है, फ्यूल अभी बिल्कुल भी नहीं है, मैंने लगा तो रखा है। चलो 6 फ्यूल आ गए ना, ठीक है सर्वाइव हो जाएगा, यहाँ पर टेंशन नहीं है। बाकी अब जो भी घर वगैरह बचे हुए हैं फटाफट से अब उसको कंप्लीट कर दो। ओके गाइस, तो यहाँ पर जितना भी बर्गेस प्लॉट के लिए अलॉट किया था पूरा बन के रेडी हो चुका है, और सारे लोग जो है बर्गेस प्लॉट में चले गए हैं। यहाँ से देखोगे तो टेंट अब गायब हो चुका है क्योंकि सारे लोग अब घरों में रहने लग गए हैं। फूड वगैरह यहाँ पर 2 मंथ का है, फ्यूल अभी यहाँ पर 5 मंथ का है, तो अभी यहाँ पर सारी चीजें बिल्कुल सेटअप हो चुकी हैं। तो सबसे पहला जो हमें सेटअप करना है अब उस पर फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें देखो आयरन का ही ट्रेड करना है। तो आयरन का ट्रेड करने के लिए हमें ना कुछ तो बनाना पड़ता है जो मैं भूल रहा हूँ क्या बनाना पड़ता है ट्रेड के लिए। पैक स्टेशन, यूज दिस बिल्डिंग टू सेटअप अ बार्टर कनेक्शन। यस, यही रहा, इसी की जरूरत है अपने को। बाकी इसको लगाने के बाद हमें म्यूल की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि म्यूल नहीं रहेगा ना तो लोग जो है काफी कम सामान लेके जाते हैं, और म्यूल से अगर हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उससे 20 गुड्स पर ट्रिप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट हो पाता है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लगाते हैं। अब इसको कहाँ पर बिल्ड करूँ? मार्केट प्लेस के जस्ट बाजू में, इस वाले जगह पर। यस, यहाँ पर काफी ज्यादा सही रहेगा। और इसी के साथ साथ अपने को माइनिंग के लिए यहाँ पर लगाना पड़ेगा माइनिंग पिट, तो यहाँ पर बिल्ड कर देते हैं। बूम, इसको करना पड़ेगा रोड से कनेक्ट, तो यहाँ से इसको लेके आते हैं यहाँ तक, ये कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। एक रोड हम यहाँ से भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, नाइस।
ओके डन। और बाकी चलते हैं अपने मेन टाउन में, और यहाँ पर भी अपने को सेम चीज बनाना पड़ेगा, पैक स्टेशन अपने को यहाँ पर भी बनाना पड़ेगा। तो इसको मैं कहाँ पर बिल्ड करूँ, इसको भी मैं मार्केट प्लेस के जस्ट सामने बिल्ड कर देता हूँ यहाँ पर, या तो फिर इस वाली जगह पर आ पाएगा। हाँ यहाँ पर तो आ पा रहा है, बीच में बिल्ड कर देता हूँ ऐसे करके। यहाँ से रोड से कनेक्ट हो जाएगा ये, इधर से इधर को रोड से कनेक्ट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से इधर को रोड से कनेक्ट हो जाएगा, इधर से ऐसे। जे बात, हर एक साइड से रोड से कनेक्ट हो गया, बीच में रहेगा अपना पैक स्टेशन। म्यूल में कैसे ऑर्डर कर सकता हूँ वो भी मुझे देखना है। लाइव स्टॉक ट्रेडिंग पोस्ट से ऑर्डर कर सकते हैं क्या, ट्रेड म्यूल? हाँ, और एक म्यूल अपने को पड़ेगा 12 का। तो एक काम करो, इम्पोर्ट करवा लेता हूँ, ये दे दो मेरे को, टोटल दो दे दो। ठीक है, मेरे पास 272 रीजनल वेल्थ आ चुके हैं। सही है सही है, यहाँ पर तो सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही हैं। दो म्यूल भी मैंने यहाँ से इंपोर्ट करवा लिया है। बाकी यहाँ पर जितना भी बिल्डिंग लेवल 3 के लिए दिया था वो सारी लेवल 3 की कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखो, ये भी लेवल 3 का है। टावन का सप्लाई नहीं है, देते हैं टावन का भी सप्लाई देते हैं भाई। इस वाले घर पे सप्लाई है, इधर को सप्लाई नहीं है, ये भी ठीक है। ये वाला भी लेवल 3 का बिल्डिंग हो चुका है भाई। यहाँ पर फाइनली फूड का सप्लाई पहुंच गया, बट यहाँ पर ना एले खत्म हो चुका है। अरे यार, रुको 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 रुको, कुछ तो देखना पड़ेगा। मेरे पास पड़ा नहीं है क्या कुछ भी? ग्रेनरी में कुछ है भाई? एक एले तो पड़ा हुआ है। अरे लेके जाओ यार, लेके जाओ, ऑन करो प्लीज। जाओ 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 जाओ, फटाफट से इसको ऑन करो। जैसे ही ये आता है ना, इसको मैं अपग्रेड करता हूँ। और सारी चीजें तो है ना? यस, और सारी चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने को टावर वाला रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना है। यार कंप्लीट हो जा प्लीज, लेके जाओ ना यहाँ से। गया गया गया, कोई तो लेके जा रहा है, ये जा रहा है लेके। और इधर को लेवल 2 की बिल्डिंग हुई कि नहीं? हो रही है। कुछ बिल्डिंग अपग्रेड हो गई है, कुछ बिल्डिंग धीरे धीरे अपग्रेड हो रही है, क्योंकि मैंने काफी सारा बिल्डिंग एक ही बार अपग्रेड होने के लिए दे दिया था। इसकी वजह से यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, नहीं तो इतना टाइम तो नहीं लगता है। फाइनली लेवल 3 की बिल्डिंग, और इसी के साथ हमारे पास हो जाएंगी टोटल 10 बिल्डिंग, और हम पहुँच जाएंगे नेक्स्ट सेटलमेंट में, यानी कि मीडियम टाउन में। यस भाई, इसको अभी तक इन्होंने कंप्लीट नहीं किया, ना ही इसको कंप्लीट किया। वाह भाई वाह, क्या धीरे धीरे काम कर रहे हो भाई, फटाफट से कंप्लीट करो यार। चलो पैक स्टेशन बन गया, तो अभी हम बार्टर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर म्यूल ऑर्डर कर सकता हूँ 25 का, ऑर्डर कर दो। एक म्यूल मैंने यहाँ पर ऑर्डर कर दिया। बाकी उसके बाद मैंने यहाँ पर म्यूल क्यों फिर ऑर्डर किया ऐसे? वेट अ सेकंड, नो ट्रेड। क्या मेरे पास म्यूल आ गए हैं? ऑर्डर किया है तो शायद से आ ही गए होंगे। देखता हूँ। यहाँ पर पैक स्टेशन बना क्या? यहाँ पर पैक स्टेशन अभी नहीं बन रहा है, क्योंकि अपग्रेड पे लगी हुई है ना बहुत सारी बिल्डिंग, इसकी वजह से इसको ये लोग बिल्ड नहीं कर रहे हैं। भैया जी यहाँ पे लेके चले जाओ, यहाँ पे आप लेके जा रहे हैं भाई। हमारी टोटल पॉपुलेशन हो चुकी है 140 की। ओके, ये बिल्ड हुआ, ये भी बिल्ड हो चुका है। तो एक फैमिली मैं लगा देता हूँ इस वाले जगह पर, ठीक है, ये आयरन माइन करेगा। बाकी मेरे पास और फैमिली नहीं है क्या? ओ नो, मेरे पास बिल्कुल फैमिली बची ही नहीं, और मुझे एक बेरीज पे भी फैमिली लगानी है। ओके, तो यहाँ से एक फैमिली हटा देता हूँ, यहाँ पर एक फैमिली लगी हुई है, चलेगा। थोड़ा मुझे यहाँ पर और फैमिली की जरूरत पड़ने वाला है, तो यहाँ से एक रोड ऐसे लेके आता हूँ। इससे क्या होगा ना, ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा, और इस वाली जगह पे मैं मार्केट प्लेस भी बिल्ड कर सकता हूँ। यस, काफी अच्छा लगेगा वैसे तो। और अभी एक काम करता हूँ, बर्गेस प्लॉट के लिए दे देता हूँ, जिससे कि यहाँ पर थोड़ी और फैमिली आ जाए। इतना बर्गेस प्लॉट कितना है टोटल? 10? नहीं भाई, 10 कुछ ज्यादा हो गया भाई। 8 बना सकते हो, नहीं 8 नहीं, 6 बना सकते हो। 6 आई थिंक इनफ रहेंगे। बूम, चलो फटाफट से बिल्ड करो, थोड़ी सी फैमिली यहाँ पर भी आ जाएगी, तो यहाँ पर जो भी काम वगैरह है ना उसमें ये लोग लग जाएंगे। और अभी ये वाली बिल्डिंग जैसे ही अपग्रेड होती है, हम नेक्स्ट सेटलमेंट में पहुंचेंगे, और फिर मैं क्या अनलॉक करूंगा, फॉरेन सप्लाई भी अनलॉक कर सकते हैं हम। बट फॉरेन सप्लायर से ज्यादा मुझे अच्छा ना ये सीप ब्रीडिंग लगता है, जिससे कि हम सीप ब्रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और उससे जितना भी वूल का प्रोडक्शन होगा उसको एक्सपोर्ट करके अच्छे खासे पैसे हम यहाँ से भी बना सकते हैं। तो ये वाला भी बेटर ही होना चाहिए। ऑर्चर्डरी भी हम अनलॉक कर सकते हैं, जिससे कि बैकयार्ड में लोग ना एप्पल का प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देंगे। वैसे है तो काफी सारी चीजें, फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, ये अनलॉक कर सकते हैं, ट्रैपिंग अनलॉक कर सकते हैं, हैवी प्लाव भी अनलॉक कर सकते हैं हम। तो क्या अनलॉक किया जाए भाई, फटाफट से कंप्लीट करो। बैंडिट कैंप, एक सेकेंड, नेक्स्ट सेटलमेंट में पहुंच गए, और कुछ तो दिखा मेरे को। अरे ये ऑटो भाई, मुझे क्या क्या दिखा, अ बैंड ऑफ रेडर्स। अच्छा रेडर्स आ रहे हैं, कहाँ पर हैं ये लोग?
ये रेडर्स इधर साइड को जा रहे हैं, मेरे साइड ही आ रहे हैं शायद से ये। आई थिंक मुझे रेडी रहना चाहिए क्योंकि रेडर्स आ रहे हैं तो कुछ भी हो सकता है। एनिमी हाँ यही है भाई, ये मेरे साइड आ रहे हैं यार, मैं क्या करूँ अभी, मैं रेडी हो जाऊँ? क्योंकि ये देखा जाए तो सीधा चल के मेरे साइड ही आ रहे हैं, और अगर इन्होंने मेरे ऊपर रेड कर दिया ना तो तबाही कर सकते हैं ये लोग। अभी मैं काम करता हूँ, आर्मी मेरी कितनी कितनी की रेडी है? 30 30 30 फुट आर मेरे पास 30 के हो गए। ओ नाइस, ये तो काफी ज्यादा सही है। और मेरे को सिर्फ एक चीज बनानी है ना, पोल आर्म। यस, पोल आर्म भी हमारे पास हो चुके हैं। इक्विपमेंट बस हमारे पास कम पड़े हुए थे क्या? ओके, पोल आर्म मेरे पास 16 पड़े हुए हैं, 38 ये, 37 ये। आर्चर भी मेरे पास हैं 24 24 24 16। इतने लोगों से क्या मैं इनसे फाइट कर सकता हूँ? आराम से फाइट कर सकते हैं। देखो अगर फाइट नहीं कर सकते तो यहाँ से हम मर्सनरीज हायर कर सकते हैं, बट जहां तक मुझे लग रहा है मैं इनसे फाइट कर लूंगा, दिक्कत नहीं होने वाला है। बट मुझे अभी जल्दी से जल्दी पोल आर्म और साइड आर्म ये दो चीजें बनानी है, तो उसके लिए मुझे आयरन का बार्टर करना है। यहाँ पर एक म्यूल ऑर्डर कर देता हूँ, डन, और हम बार्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं क्या भेज सकता हूँ? मेरे पास सरप्लस में सबसे ज्यादा क्या पड़ा हुआ है? मैं यहाँ से प्लैंक भेज सकता हूँ, या तो फिर स्मॉल शील्ड भेज सकता हूँ उनको। ट्रेड भी कर रहे हैं हम, स्मॉल शील्ड हम भेज सकते हैं क्योंकि प्लैंक का काम तो हमें कभी भी पड़ सकता है, तो अभी के लिए स्मॉल शील्ड भेजते हैं, बाद में हम चीज़ों को चेंज करते रहेंगे। सेंडिंग पे लगा देते हैं हम स्मॉल शील्ड, और रिसीव करेंगे हम इनसे आयरन ओर। चलो अब यहाँ पर चलते हैं इस वाले जगह पर, यहाँ पर भी सेटअप करना पड़ेगा। यहाँ पर हम सेंड करने वाले हैं आयरन ओर और रिसीव करने वाले हैं स्मॉल शील्ड, डन सीन है। यहाँ पर मुझे एक फैमिली लगाना पड़ेगा, तो अभी एक फैमिली यहाँ पर लगा देता हूँ। मेरे पास कोई फैमिली नहीं बचा यार, थोड़े से लोग चाहिए मेरे को वैसे। 28 लॉग पड़े हुए हैं, तो यहाँ से एक फैमिली हटा देता हूँ जो कि अभी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम कर लेगा, जिससे कि यहाँ पर थोड़े बहुत लोग आ जाएंगे। बाकी हंटिंग से तुम हट के काम कर सकते हो, तुम बेरीज कलेक्ट कर लो, जिससे कि जैसे ही बेरीज का सीजन जाएगा उसके बाद मैं इसको हंटिंग पे लगा दूंगा, इजी पीजी। ये लोग कहाँ तक आए, कहाँ गए? एनमी 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 किधर गए? आ रहे हैं भाई, काफी तेजी से ये लोग हमारे तरफ ही आए जा रहे हैं। फाइट हो जाए क्या? मुझे लग रहा है फाइट कर लेना चाहिए, और मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहता, तो एक काम कर लेता हूँ, हायर कर लेता हूँ। यार मेरे को रिस्क नहीं चाहिए, इनको मैंने हायर किया, ये लोग आएंगे कहाँ से? अब ये मत कहना भाई ये लोग बहुत दूर से आएंगे। चलो अच्छा हुआ ये लोग पीछे से स्पॉन हुए, ये आ जाएंगे। वैसे मुझे तो और जल्दी ही हायर कर लेना चाहिए था, बट ठीक है, आ जाओ फाइट हो जाए, एक छोटी सी फाइट भी हो जाए, मजा आ जाएगा। लोगों को पावर का तो पता चलना चाहिए ना हमारे। रैली करेंगे हम, इनको लगाएंगे हम यहाँ पर। आर्चर हमारे जो है ये आ जाएंगे इसके पीछे, फुट आर्म मिलिशिया आ जाएगी यहाँ पर, एक और आर्चर की यूनिट हमारे पास पड़ी हुई है, नहीं अच्छा ये नहीं है सॉरी, हमारे पास पोल आर्म मिलिशिया है ये आ जाएगी यहाँ पर। हम अपना रेट्यून भी बढ़ा सकते हैं, बट अभी मैं रेट्यून में पैसे नहीं लगा रहा, थोड़ा टाइम बाद इसको देखेंगे। चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और तुम लोग एक काम करो थोड़ा दौड़ो यहाँ से और आ जाओ यहाँ पर। चलो फटाफट से जाओ, चलो ये लोग स्पीड में जाने लग गए। आ जाओ बेटो, भूत भर देंगे तुम्हारा, रेड करने आते हो हैं? आ जाओ गाइस एकदम मस्त वाली फाइट दिखाते हैं। अब भी मैं देखे इनको कितना अच्छा सेटअप करता हूँ, ये यहाँ पर, ये इनके बीच में नहीं यहाँ पर, ठीक है। आर्चर एक हमारी आएगी यहाँ पर, अच्छा हमारे पास एक ही आर्चर की यूनिट है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। ये कहाँ तक है? ये यहाँ तक है, ये कहाँ तक है? ये यहाँ तक आ गए ना। एक यूनिट इनकी भेजूंगा मैं यहाँ पर, और एक यूनिट मैं यहाँ पर। भाई अच्छा हुआ मैंने हायर भी कर लिया और मैंने अपना आर्मी रेडी कर लिया, क्योंकि ये लोग तो फुल फाइट के ही मूड में आ रहे हैं। ओ बच गया रे बाबा, पहले ही मैंने तैयारियां कर ली, नहीं तो मेरे तो बैंड बज जाने वाले थे। ओके इनकी टोटल 4 यूनिट, अच्छा एक इधर जा रहा है एक यहाँ पर, अब तुम आ जाओ यहाँ पर। ये मेरे को फ्लैंक करने का ट्राई कर रहा है, कहाँ गया? ओह नो, 1 2 3 एक कहाँ गया? ठीक है ठीक है ठीक है, दिक्कत की बात नहीं है। एक काम करो इनको ना अभी के लिए यहीं पर रखता हूँ, इनको बीच में रखता हूँ, इनको मैं फ्लैंक करवा लूंगा। अच्छा ये यहीं से आ रहा है, अच्छा हुआ ठीक है इधर से आ रहा है।
ये देखो पूरा राइट जाने का ट्राई कर रहा है। आ जाओ बेटो, एकदम भयंकर वाली मस्त फाइट होने वाली है। ठीक है थोड़ा और आगे चले जाओ। रुको 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 रुको, सूट एट विल, सूट एट विल, इसको भी सूट एट विल। बाकी सब सही है ना, बाकी सब सही है। चलो आ जाओ बेटो, पढ़ने लग गई तीर, पढ़ने लगी तीर, पढ़ने लग गई जेब बात जेब बात जेब बात। ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये यहाँ पर फ्लैंक करने का ट्राई कर रहा है। रुको कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, इसको मुझे भेजना पड़ेगा ऐसे इधर। यही करना पड़ेगा। जाओ 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 जल्दी जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। यार थोड़ा सा हगास मुझे लग रहा है होने वाला है। ये लोग जैसे ही मेरे ऊपर अटैक करेंगे ना, मैं इधर उधर हो जाऊंगा। यार इनको पहले रोको भाई, इनको रोको, इनको रोको। एक काम करो तुम फ्लैंक कर लो, पूरा फ्लैंक करके पीछे से मारो इनकी। हाँ तुम क्या कर रहे हो भाई, मार रहे हो ना, मार रहे मार रहे मार रहे मार रहे। चलो ये लोग भिड़ गए, मारो इनकी, भूत भर दो भूत भर दो। डन डन डन, एकदम घेर लिया चारों तरफ से हमने। ओ नो वेट वेट, इनको पकड़ो इनको पकड़ो इनको पकड़ो इनको पकड़ो। अरे यार बड़े ही नल्ले हैं ये, तुम मार रहे हो ना। हाँ मारते रहो ठीक है, बच जाएंगे दिक्कत की बात नहीं है। ये लोग आ गए हैं ना, इस यूनिट के पीछे कर दो। इस यूनिट को यहाँ पर लगा दो ऐसे ऐसे। हाँ चलो बेटो सीख गया तुम्हारा भाई, घंटा नहीं सीखा कुछ नहीं सीखा। भागो 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 भागो, इधर आओ इधर 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 इधर। अरे यार एक यूनिट मेरी गई यार, मैंने इन पे ध्यान नहीं दिया यार। ओ नो, भाग जाओ प्लीज भाग जाओ, इनको मार लो तुम तब तक, प्लीज भाग जाओ प्लीज भाग जाओ। हाँ भाग गए ना, बराबर तुम मारते रहो इनको। ये आ जाओ, नेता बन रहे हो तुम। रुको 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 रुको, नेता बन रहे हो तुम, उतरे या तुम्हारी ऐसी की तैसी घर पे। एक सेकेंड, कुछ क्या हुआ, कहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। एक कहा जा रहे हो भाई तुम, एड़े हो क्या, इनसे भिड़ना है। वाह भाई थोड़ा सा हग्गास इस बार हो गया फाइटिंग में, वैसे देखा जाए तो हाँ बहुत ज्यादा ही हग्गास हो गया। मार रहे हैं ये लोग यहाँ पे, तुम क्या कर रहे हो भाई, फिर आओ इधर कुछ करो, काम धंधे में लग जाओ। हे आज वाली फाइट थोड़ा सा हग्गास होते होते रह गया। भागेंगे ये लोग, भागेंगे भागेंगे, देखो पीछे आ रहे हैं। ओ भाई क्या बात है, मस्त फाइट चल रही है यार। मैं जीत रहा हूँ ना, पक्की बात, जीतेंगे कैसे नहीं भाई। हे भूत भर दिया भाई इनका, भूत भर दिया। कितने लोग मरे, थोड़े लोग शहीद हुए, ये तो सारे लोग बच गए भाई। इनको आगे रखना चाहिए था, मेरे को अपने वाले लोगों को पीछे रखना चाहिए था, बट चलो कोई बात नहीं। धीरे धीरे हम फाइटिंग में भी बहुत अच्छे होते जा रहे हैं, तो अब कोई भी ना पंगे लेगा उनका तो ऐसा बैंड बजाएंगे ना। चलो तो अब काम हो गया, तुम लोग निकलो काम धंधे पे लग जाओ। ठीक है हमारी यूनिट कुछ ज्यादा ही कम बची क्या, नहीं नहीं बची हुई है यूनिट। आर्मी को थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा यार, 13 लोग इसमें बचे, 16 इसमें बचे, 16 इसमें बचे, और इसमें बहुत सारे लोग थे यार। वैसे अच्छा किया मैंने मर्सनरीज हायर कर लिया था, नहीं तो ये वाली फाइट पक्का हारने वाला था। 2.3K का इन्फ्लुएंस हो चुका है, इसका मतलब समझ रहे हो हम किसी भी रीजन पर अटैक कर सकते हैं। ज्यादा कुछ नहीं, हमें बस थोड़ी देर वेट करना है, थोड़ी आर्मी को अपने अच्छी करनी है, पावरफुल करना है, और वेट करना है कि मर्सनरीज कब हम हायर कर सकते हैं तीनों। जैसे ये सारी चीजें आती है मैं अटैक करने वाला हूँ इनमें से किसी एक रीजन पे, और उस पे भी करने वाले हैं कब्जा। बाकी अभी हमारा दूसरा टाउन तो ग्रो हो ही रहा है धीरे धीरे, यहाँ से एक बार को चेक कर लेते हैं। बार्टर ऑन हुआ, कैसे ऑन होगा, यहाँ पर मुझे एक बंदा लगाना पड़ेगा। वाह भाई एक बंदा मैंने अभी यहाँ पर लगा दिया, अब स्टार्ट हो जाएगा। तो एक काम करो भाई लोग, पोल आर्म तो बनी रहा है ना, हेलमेट भी बनाना स्टार्ट कर दो। हेलमेट कौन बनाता है, हेलमेट बनाने के लिए किसको दिया था मैंने, आर्मर किधर गया, ये रहा ना, हाँ ये हेलमेट बनाता है, तो चलो ये हेलमेट बनाने लग जाएगा। बाकी हाँ मुझे इस वाले जो एरिया को है इसको ज़्यादातर मुझे फाइट के लिए रेडी करना है, समझ रहे हो। तो मेरा जो डेवलपमेंट पॉइंट आया हुआ है मैं उसको यूज करूंगा एडवांस आर्मर मेकिंग में। यस अभी अच्छा हुआ मुझे ये चीज ध्यान में आ गया, तो हम एडवांस आर्मर मेकिंग में बनाएंगे, जिससे हमारे पास मेल आर्मर हो जाएगा, तो हमारी आर्मी जो है जल्दी जल्दी मर जाती है ना, तो वो जल्दी मरेगी नहीं, ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर पाएगी और फाइट कर पाएगी। तो मुझे इसमें ही लगाना चाहिए,
होप कि मैं ये चीज सही किया हूँ। तो ये बनाता कौन है? ब्लैक स्मिथ ही बनाता है ना, ब्लैक स्मिथ। ये रहा, एक और मुझे बिल्डिंग बनानी पड़ेगी ब्लैक स्मिथ की। हैं, यहाँ पे तो आया ही नहीं। वैसे आर्मर की चीजें है तो मेरे हिसाब से आर्मर शॉप पे बनना चाहिए ना, हेलमेट के साथ। यस, ये देखो आर्मर आ चुका है, तो अब हेलमेट के साथ हम आर्मर बना सकते हैं। वैसे हेलमेट तो मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ है, आर्मर थोड़े भी नहीं पड़े हुए हैं, तो मैं मेल आर्मर के लिए अभी के लिए इसको लगा देता हूँ। तो अभी ये थोड़ा बहुत मेल आर्मर बना देगा। मेरे पास आयरन और थोड़े बहुत पड़े हुए हैं, बिल्कुल नहीं है यार। भाई तुमने स्टार्ट किया कि नहीं स्टार्ट किया यार? रुको, पीपल कहाँ पर, ये लोग ये इधर मजे ले रहे हैं। भाई मैंने तुम्हें बार्टर के लिए लगाया हुआ है, कब करोगे काम धंधे? चलो थोड़ी देर वेट करते हैं। और मुझे पोल आर्म भी फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी मिलिट्री डेड हो चुकी थी, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो गया। और मैंने सीप भी तो बहुत सारा ऑर्डर किया हुआ था, आया कि नहीं? यस, आ चुके हैं। ये देखो काफी सारे सीप यहाँ पर आ चुके हैं पेस्चर में, इसमें 37 आ चुके हैं। अभी सिर्फ मैंने 5 ऑर्डर किया हुआ है। ब्रीडिंग वैसे इसका हम स्टार्ट कर सकते हैं, सीप ब्रीडिंग से, बट उसके लिए मुझे एक डेवलपमेंट पॉइंट चाहिए। और नेक्स्ट डेवलपमेंट पॉइंट अपने को मिलेगा 15 जो है लेवल 3 की बिल्डिंग बनानी पड़ेगी, मतलब टोटल 5 और बिल्डिंग जो है लेवल 3 में अपग्रेड करना पड़ेगा। इसका मतलब कि मुझे इनको लेवल 2 करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि ये ऐसी बिल्डिंग है जो जल्दी से जल्दी लेवल 3 हो जाएंगे। तो इनको लेवल 2 में लगा देते हैं, जिससे कि ये लेवल 3 की जल्दी से हो जाए। और लेवल 3 का करने के लिए फूड सप्लाई चाहिए इधर को। अरे यार मैं कितना बड़ा गधा इंसान हूँ भाई, छी यार। ये कौन सा है? वेल्ड ब्रांड ना। और ये कौन सा है? ईच। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पता नहीं क्या लिखा हुआ है भाई, वेल्ड ब्रांड है ना। भाई मैं कब से सोच रहा हूँ कि ये क्यों स्टार्ट नहीं हुआ बार्टर अपना, तो हमें यहाँ पर बार्टर स्टार्ट भी तो करना पड़ेगा। तो अपने को यहाँ पर वेल्ड ब्रांड को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जो कि अपना ये वाला टाउन है। और यहाँ पर आके अपने को सेलेक्ट करना पड़ेगा ये वाला रीजन। भाई साहब मेरे से बड़ा गधा इंसान कोई नहीं हो सकता भाई, सच्ची में यार। अब तक तो कितना ज्यादा आयरन और यहाँ पर आ चुका होता, लेकिन नहीं भाई, एक म्यूल और ऑर्डर कर दो यहाँ पर, टोटल 2 म्यूल होने चाहिए। वैसे एक और म्यूल मैं यहाँ पर ऑर्डर कर सकता हूँ, नहीं यहाँ पर तो पैसे कम है, यहाँ पर फार्मिंग करना है मुझे। इस वाले एरिया में तुम एक काम करो, वेजिटेबल लगा लो। और अब 10 बचा ना, 10 बचा तो तुम यहाँ पर चिकन के लिए भी 25 चाहिए होता है। अब मुझे यहाँ पर रीजनल वेल्थ चाहिए। और यहाँ पर भी एक डेवलपमेंट पॉइंट है, तो इसका डेवलपमेंट पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे सीप ब्रीडिंग में। हाँ यहाँ से सीप ब्रीडिंग कर सकते हैं गाइस, इन सब में अनलॉक नहीं करूंगा। अच्छा वेट, ये पूरे डेवलपमेंट पॉइंट हर एक रीजन के लिए काम करते हैं क्या, या हर एक रीजन का अलग अलग होता है? ओ नाइस, ये तो काफी अच्छा चीज है। सीप ब्रीडिंग अनलॉक कर सकता हूँ, अनलॉक हो गया। हे, मुझे लग रहा था हर एक रीजन का ये डेवलपमेंट ट्री है वो अलग अलग होता होगा, बट ये तो पूरा कंबाइन है, मतलब कि सीप ब्रीडिंग अब यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। टोटल यहाँ पर 5 है। अब मुझे देखना ये है, हैं क्या ये? इस रीजन में तो अनलॉक नहीं हुआ, समझा नहीं। और अगर मैं इस रीजन में जाता हूँ, अरे यार वो ग्लिच था भाई, शायद से क्या था पता नहीं चला, कुछ तो अगाज हो गया। सीप ब्रीडिंग यहाँ पर ऑन हो गया, बट ठीक है ना, चलेगा। सीप ब्रीडिंग अगर यहाँ पर ऑन हो गया तो यहाँ पर मैं फटाफट से एक ट्रेडिंग पोस्ट लगाऊंगा, सीप का पैस्चर लगाऊंगा, सीप यहाँ पर मंगाऊंगा। बस मुझे एक बार चेक करना है पैक स्टेशन से कि क्या हम यहाँ पर सीप वगैरह भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नहीं ना, वूल वगैरह कर सकते हैं, लाइव स्टॉक बार्टर नहीं कर सकते। क्यों भाई, लाइव स्टॉक भी बार्टर करने के लिए देना चाहिए था। थोड़ा सा हग्गास हो गया गाइस, शीप ब्रीडिंग मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया। चलो ठीक है, जुगाड़ करेंगे इसका भी, दिक्कत की बात नहीं है, बहुत जल्दी जुगाड़ हो जाएगा, टेंशन नहीं है। बाकी इसको हार्वेस्ट कर लो यार, क्या कर रहे हो भाई? फोर्स अर्ली हार्वेस्ट, इतनी तेजी से बारिश हो रही है, ये हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो चुका है, लोग इसको हार्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। बारिश की वजह से ना बहुत ज्यादा क्रॉप जो है ना नुकसान हो जाते हैं भाई। ये वाला भी देखो, इससे भी प्रोडक्शन कम होगा। इसमें मैं फैमिली असाइन कर सकता हूँ, वैसे 2 और असाइन कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास 4 फ्री पड़े हुए थे, अभी सिर्फ 2 पड़े हुए हैं। बाकी हमारे पास फूड देखोगे तो 14 मंथ का है, फ्यूल देखोगे तो 7 मंथ का है, रीजनल वेल्थ अच्छे खासे आ रहे हैं, हमारे पास इन्फ्लुएंस अच्छा खासा पड़ा हुआ है। बस हम फोकस कर रहे हैं अब आर्मी पे, पूरा फोकस अब हमारा आर्मी पे होने वाला है। क्या यहाँ से आर्मर बनना स्टार्ट हुआ? ओह नो, थंडरस्टॉर्म गिरा कहीं पर, तो गिरा, आग तो नहीं लगी यहाँ पर कहीं पर, लग गई।
भाई हमेशा मार्केट प्लेस में क्यों गिरता है? पिछली बार भी आप लोगों को याद होगा मार्केट प्लेस में ही गिरा था और इस बार भी मार्केट प्लेस में ही गिरा। वाह भाई वाह, चलो लोग तो यहाँ पर बुझाना स्टार्ट कर देंगे। और इसी चीज से मुझे याद आया कि मैंने अभी तक यहाँ पर वेल नहीं लगाया। भाई ये लोग पानी कैसे पियेंगे? इसको मैं लगाता हूँ इस वाले जगह पर, यहाँ पर अच्छा रहेगा ना। बूम, चलो इसको तुम फटाफट से बिल्ड कर दो जिससे कि यहाँ पर आग वगैरह लग जाए ना, तो कम से कम पानी तो मिल जाए इनको आग बुझाने के लिए। नहीं तो भाई आग बुझाने के लिए भी इनके पास पानी नहीं रहेगा। चलो 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 आग बुझा दो, आग बुझा दो। पैसा हर बार मार्केट प्लेस ही बेचारा क्यों आ जाता है बीच में। चलो लोगों ने आग तो पूरा बुझा दिया। ओ भाई यहाँ पर कौन पानी डालेगा? चलो ठीक है बुझ गया, नाइस। मार्केट फिर से रन होना स्टार्ट हो गया। बाकी अब मुझे लेवल 3 की और बिल्डिंग पे फोकस करना है। क्लॉथ वगैरह खत्म हो गए क्या? कैसे भाई? शूज वगैरह तो मेरे पास पड़े हुए होंगे। स्टोर हाउस, मेरे पास लेदर पड़ा हुआ है, मेरे पास शूज पड़ा हुआ है। वाह भाई कुछ भी चलता है यहाँ पर, देख रहे हो। और ये क्या हुआ है? इसके ऊपर भी थंडर स्टॉर्म गिर गया था क्या? ओ नो, ये भी होता है भाई, हमारे सारे ऑक्स मर गए। अबे यार 3 मर गए। ओ नो, मुझे लग रहा था सिर्फ और सिर्फ मार्केट प्लेस में थंडर स्टॉर्म गिरा है, थंडर स्टॉर्म यहाँ पर भी गिरा था। और यार मेरे ऑक्स के लिए बुरा लग रहा है यार, मैंने कितने सारे खरीद के रखे हुए थे और ये 3 के 3 टे बोल गए। यार ऐसा क्यों हुआ भाई? ये तो गलत बात है ना। सैड म्यूजिक भी बज रहा है, देख रहे हो क्या बात है भाई। गेम तो है, मानना पड़ेगा। इतना ज्यादा रियलिस्टिक था, मैंने सोचा नहीं था यार। सच में लोगों की तो डेथ नहीं होती थंडरस्टॉर्म से, पता नहीं वो भी होता हो मुझे पता ना हो, बट यहाँ पर लाइव स्टॉक की डेथ होती है। मुझे अब वापस से ऑर्डर करना पड़ेगा यार, एक सेकेंड। ये सब 2-2-2 दिखा रहे हैं, एक यहाँ पर है, चेक करना पड़ेगा। डेड, हाँ ये डेड, एक इसमें का डेड। इनमें के ये दोनों डेड हो चुके हैं। ओके यही है। इनको ये लोग उठा के लेके जाएंगे या नहीं? मैं ऑर्डर कैसे करूं? हेलो, मुझे नए ऑर्डर करने हैं। अच्छा ट्रेडर ही नहीं है, ट्रेडर आएगा तब मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। और मेरा अप्रूवल इतना ज़्यादा कम कैसे हो गया? टैक्सेशन बढ़ा रखा है क्या मैंने? लैक ऑफ इंटरटेनमेंट और टैक्सेशन बढ़ा रखा है, इसकी वजह से अप्रूवल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। रुको भाई तुमसे टैक्स लेना कम कर देता हूँ यार। लो अभी के लिए टैक्स लेना कम कर देता हूँ, तुम हैप्पी रहो, बाद में फिर तुमसे टैक्स तो लेना ही है मुझे, क्योंकि टैक्स नहीं लूंगा तो फिर डेवलपमेंट कैसे करूंगा, समझ रहे हो। चलो आयरन ओर तो यहाँ पर आना स्टार्ट हो चुके हैं, बट जितना आयरन आते जा रहा है ना उतना आयरन यहाँ पर लगते चला जा रहा है। यहाँ पर अभी एक भी मेल आर्मर क्राफ्ट नहीं हुआ क्या? मेल आर्मर एक भी क्राफ्ट नहीं हुआ, तो क्राफ्ट क्या हो रहा है? पोल आर्म भी नहीं हो रहा, स्पीयर, साइड आर्म। आयरन जा कहाँ पर रहे हैं फिर? हेलो कौन लेके जा रहा है आयरन? एक सेकेंड, इसको चाहिए होता है एक आयरन स्लैब। यहाँ पर साइड आर्म, पोल आर्म भी मेरे पास नहीं बन रहा है। भाई कुछ तो बनाओ, पोल आर्म तो बन ही नहीं रहा है, तो कम से कम मेल आर्मर ही बना दो। आयरन ओर तो आ ही रहा है शायद। वेट, हमारे म्यूल लगे हुए हैं आयरन कलेक्ट करने में। अभी मैंने देखा हुआ था यहाँ पर आयरन आया था, एक बार को चेक कर लेते। हाँ आयरन स्लैब आया ना, बन रहा है बन रहा है आयरन स्लैब। देखो यहाँ पर आया एक आयरन स्लैब आया, अब ये आयरन स्लैब जाएगा। ये आयरन ओर भी आया, नाइस, आ रहा है आ रहा है। ट्रेड हमारा मतलब कि बार्टर हमारा चल रहा है यहाँ पर। ये आयरन स्लैब क्यों नहीं जा रहा है यहाँ से? गया ना, हाँ गया आयरन स्लैब गया। आई होप कि यहाँ पर गया हो। यस यहाँ पर आयरन स्लैब आ गया, नाइस, क्योंकि अब ये मेल आर्मर बनाएगा। अच्छा 2 स्लैब चाहिए होते हैं इसको। जो भी बनते जा रहा है हमारी आर्मी के पास चला जा रहा है। एक बना था तो एक मेल आर्मर यहाँ पर आ गया, और इनके पास नहीं है, इनके पास नहीं है अभी। और 4 पोल आर्म भी बन गए थे, तो ये पोल आर्म वाली मिलिशिया भी रेडी होना स्टार्ट हो गई है। तो धीरे धीरे ऐसे ही हमारी यूनिट बढ़ते जाएगा और पावरफुल भी होते जाएगा। बाकी यहाँ पर हमारे नए टाउन का काम भी एकदम मस्त चल रहा है। यहाँ पर मैं फोकस करने वाला हूँ फार्मिंग ज्यादा किया जाए, फार्मिंग ज्यादा करूंगा, शीप ब्रीडिंग यहाँ पर ज्यादा करूंगा, तो यहाँ से ट्रेड करके मैं पैसे अर्न कर सकता हूँ। तो ये वाला जो एरिया है ना
फुल फार्मिंग पे ही फोकस होने वाला है और यहाँ पर जो भी रिच डिपॉजिट पड़े हुए हैं उसको हम बार्टर करके अपने मेन एरिया में लेके चले जाएंगे अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो। बाकी आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई हो। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।